अस्सलाम वालेकुम। हमारे एक दोस्त है, उनके भांजी का एक प्रॉब्लम है, मतलब जो बच्चा होता है जो नली रहती है उसमें से मतलब वो पास नहीं हो रहा है नुतफ़ा, तो मतलब उनके हस्बैंड का नुतफ़ा लेके टेस्ट ट्यूब बीबी जो होता है तो वो जायज़ है क्या करना? भाई ने बहरहाल एक सवाल किया कि बहुत सी बार ऐसा होता है, किसी उनके दोस्त का मसला है, बहुत सी बार ऐसा होता है कि औलाद की पैदाइश में एक तकलीफ़ ये होती है कि वो नुतफ़ा जाकर जो है वो अंडे से मिल ही नहीं पाता, कुछ वजह से वो फिलोपियन ट्यूब जो होता है जिसके अंदर से पास होता है, जिसमें औरत का अंडा होता है और मर्द का स्पर्म जाके मिलता है, वो नहीं बन पाता है, जिससे उनका मेल नहीं होने की वजह से औलाद नहीं होती, या होती भी है तो अटैचमेंट उसका गलत जगह हो जाता है जिसकी वजह से उसको ज़ाया करना पड़ता है। तो क्या ऐसी शक्ल के अंदर जो आजकल जदीद तरीक़े इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जिसको कहते हैं, जिसके अंदर जो है औरत का ही अंडा होता है और मर्द का ही नुतफ़ा होता है, जिसको बाहर मिलाकर वापस औरत के जो है रहम में रख दिया जाता है सही जगह पर लगाकर और फिर वहाँ वो नशोनुमा पाता है, वो मतलब उसकी माँ होती है, उसका बाप होता है, तो क्या ऐसा अमल दुरुस्त है? तो याद रखिए, इस मामले में उलमा ने जवाब दिया है कि ऐसा अमल किया जा सकता है कि अगर कुदरती तौर से मेल मतलब मर्द का स्पर्म जाकर औरत के ओवर या अंडे से नहीं मिल पाता है और अगर इस अमल को बाहर किया जाता है बिल्कुल कड़ी शर्त के साथ कि इसके अंदर उसी का अंडा हो और उसी का नुतफ़ा हो, अगर ऐसा ना हुआ तो ये जिना में शामिल होंगे, याद रखिए, उसी का अंडा हो, उसी का नुतफ़ा हो और फिर वो चीज़ उसमें डाली जाए। इसमें एक चीज़ जिसको कबाहत उलमा ने जो है बुरी नज़र से देखा वो ये है कि शर्मगाह का खामोखा लोगों के सामने ज़ाहिर होना, चूँकि औरत को बार बार टेस्ट के लिए जाना पड़ता है, ठीक है, उसके बाद जो है तो इसमें कोशिश ये की जाए, चूँकि शर्मगाह बताना मर्द का मर्द को भी जायज़ नहीं और औरत का औरत को भी जायज़ नहीं, तो ये एक इसमें कबाहत का पहलू होता है। लेकिन इसमें भी अगर कोई फ़ीमेल डॉक्टर चुनी जाए सबसे पहले तो मेल के साथ ये हो ही ना बिल्कुल, सेकेंड फेज़ के अंदर कोशिश की जाए कि जो मैक्सिमम तरीक़े हो सकते हैं जिसके अंदर शर्मगाह को ना देखते हुए डॉक्टर अगर ये काम करे तो ये बेस्ट पार्ट है। और ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह तरीक़े आजकल जदीद है जिनमें बगैर देखे के भी जो है डॉक्टर ज़ाहरी चीज़ ना देखते हुए सीधा अंदर से कैमरे के थ्रू करते हैं। बहरहाल जितना प्रिकॉशन हो सकता है, शर्मगाह का खुलना किसी के सामने बुरी बात है, चाहे मर्द के सामने हो चाहे औरत के सामने, ठीक है। बहरहाल ये कबाहत का पहलू है, लेकिन इस अमल के हद तक कि अगर इसी का अंडा और इसी का नुतफ़ा है जिसको बाहर मिलाया जाता है, इसको टेस्ट ट्यूब बेबी आम जमाने का, बहुत से लोग समझ नहीं पाते टेस्ट ट्यूब बेबी क्या है, ठीक, तो बहरहाल ये होता है कि उसको बाहर मिलाया जाता है टेस्ट ट्यूब में और बाद में वापस उस माँ के अंदर लगा दिया जाता है, तो इंशाअल्लाह इसमें कोई खबात नहीं होंगी। इसमें एक पहलू तो शर्मगाह का हुआ जो मैंने बताया एहतियात, और सेकंड ये बात कि बिल्कुल एहतियात रखा जाए, ऐसे हंड्रेड्स ऑफ केसेस सामने आए हैं कि डॉक्टर्स ने अपने इदारे के नाम के लिए कि इतने साल से इनको औलाद नहीं थी, उतने साल से नहीं थी और हमारे पास आने से औलाद हो गई, उन्होंने बाप के नुतफ़े में कमी होने के बावजूद किसी और का नुतफ़ा डाल दिया ताकि दवाखाने का नाम हो जाए, 14 साल से भांज औरत को औलाद होगी, 50 साल से भांज औरत को ये हो गया, 20 साल से शादी हुई औलाद नहीं थी फलां हो गया, और किया क्या अपने दवाखाने के नाम के लिए जबकि मर्द में कमी थी, उसके नुतफ़े में वो ताकत नहीं थी कि औलाद पैदा हो सके, उन्होंने दूसरों का डाल दिया। पहली शर्त आदिल लगाया, इंसाफ पसंद, फिर मुस्लिम गैर मुस्लिम दोनों हो सकते, या फिर आदिल और मुस्लिम हो तो और बेहतर है, ठीक है। कभी होता है कि मुस्लिम इस फील्ड में महारत नहीं रखते हैं, लेकिन अगर आदिल है, अमानतदार है तो फिर कोई मसला नहीं, नॉन मुस्लिम भी रहा तो चलेगा, ठीक। तो उस बात को आप जो है जहन में रखिए कि ये गड़बड़ ना होने पाए किसी भी हाल में, वरना ऐसा हुआ है बहुत सी बार, और बहुत से लोगों ने ऐसा भी समझा जब टेस्ट ट्यूब बेबी की इजाज़त दे दी गई कि हाँ ये अमल दुरुस्त है, तो उनको लगा कैसा भी दुरुस्त है, तो किसी का भी अंडा ले लिया, किसी का भी नुतफ़ा ले लिया, बस औलाद अपनी बना ली, जैसे पर जैसे पालते हैं लेके गोद लेकर, ये सिस्टम नहीं, ये जिना में आएगा ये अमल। तो लिहाजा उसी औरत का अंडा, उसी मर्द का नुतफ़ा अगर तिब्बी तौर से फिज़िकली वो जिसमें नहीं बन पा रहे हैं बाहर करके उसी माँ के अंदर डाला जाए जिसमें औलाद परवरिश पाए, इंशाल्लाह इसमें कोई हर्ज नहीं। दो चीज़ों का ख्याल रखा जाए, एक तो शर्मगाह को खामखा बहुत ज़्यादा ना खोला जाए, इस मामले में बहुत एहतियात की जाए, और औरत के अलावा तो औरत किसी के पास जा ही ना पहले, उसमें भी डॉक्टर जो है मुस्लिम हो तो एहतियात करे ना देखे, और सेकंड इस बात का ख्याल कि वो आदिल हो, अमानतदार हो, ऐसी गड़बड़ बहरहाल उसमें ना हो, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ शरीयत बार से इसके जवाब के बहुत सारे उलमा के फतवे बहरहाल मौजूद हैं।